Hey guys, welcome to new vlog. और आज है हमारे साथ NS400Z या NS400Z जो कहना है कह लो भाई। तो ये है अपने साथ और हम हैं अभी शिव भवानी बजाज दरोगा राय चौक छपरा में। तो ये बाइक भाई हर कलर में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप डायरेक्ट शोरूम पे विजिट कर सकते हो या फिर आप कॉल करके यहाँ पे बुकिंग करके आप आ सकते हो। तो यहाँ पे NS का हर कलर अवेलेबल है, आप डायरेक्ट विजिट करो। और चलो अभी बात करते हैं हम यहाँ पे NS400Z के ब्लैक कलर का। सो गाइस, अपने साथ है NS400Z का ब्लैक कलर। तो इसका पूरा वॉक अराउंड दिखाता हूँ, फ्रंट से लेकर पूरा पीछे तक, रियर व्यू प्लस साइड व्यू टोटल आपको दिखाता हूँ इस ब्लॉग में। और प्लस दिखाता हूँ कि इस कलर में क्या डिफरेंट है और सब कलर से। बाकी ये तो बहुत प्यारा कलर लग रहा है भाई मेरे को। तो इसके मीटर कंसोल से लेकर इसके इंजन तक, फ्रंट टायर से लेकर सस्पेंशन से लेकर रियर सस्पेंशन प्लस रियर टायर प्लस ब्रेक, हर चीज़ का बात करेंगे इस ब्लॉग में भाई। तो बने रहो इस ब्लॉग में। और बाकी ये कलर भाई मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं खुद सोच रहा हूँ पर्सनली अपने खुद पर्सनल यूज़ के लिए भाई बुकिंग कर दूँ। इतना अच्छा भाई कलर मैं पहली बार सामने से देख रहा हूँ। बाकी इसका चाबी कुछ ऐसा है और इसको ऑन भी करेंगे और आपको टोटल इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह सब कुछ सुनाते हैं। तो पहले सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो देखो भाई, फ्रंट में वही यहाँ पे ब्लैक वाइजर पूरा और पूरा का पूरा ब्लैक फिनिश, मतलब यहाँ पे नेपोली और प्लस मैट, यहाँ पे हर कलर भाई इतना अच्छा से बारीकी से यहाँ पे टचअप दिया गया है। ब्लैक है, यहाँ पे देखो रेड है, यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश में ABS डुअल चैनल लिखा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा सिल्वर है, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे NS400Z रेड सिल्वर और रेड में ही जेड भी लिखा गया है और यहाँ पे ब्लैक कलर है। तो भाई ऐसे ग्राफिक में है इसका, तो पूरा ग्राफिक वगैरह सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो फ्रंट में देखो भाई, यहाँ पे आपको मिल जाता है DRLs इधर भी और इधर भी, एकदम वाइडर DRLs आता है, देखने में भाई काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी मस्त सा लगता है। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है जिसका ब्राइटनेस भाई बहुत अच्छा है, मतलब आपको डे टाइम में मैं जला कर दिखाऊंगा, उसके बावजूद भी इसमें बहुत अच्छा ब्राइटनेस है। नाइट टाइम में भाई ये परफेक्ट है, इसमें आपको कोई अपग्रेड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। अगर सिटी राइड करते हो वगैरह तो इसमें आपको कोई अपग्रेड करने का ज़रूरत नहीं है लाइट वगैरह, क्योंकि भाई ऑलरेडी इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे रखा है, बहुत अच्छा है और उसका ब्राइटनेस बहुत अच्छा है। और फ्रंट में हो गया भाई ये हेड है समझो तो ये, और फ्रंट में ये हो गया मीटर का और यहाँ पे लगेगा आपका नंबर प्लेट। यहाँ पे आपको मड गार्ड है जिसपे अच्छा खासा एकदम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है भाई, तो ये टूटने का डर नहीं है। अगर सामने से कभी गाड़ी किसी ट्रक वगैरह में कभी कभार क्या होता है सड़ जाता है तो ये टूटेगा नहीं भाई, इतना फ्लेक्सिबल है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है और प्रीमियम भाई, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया है। ABS डुअल चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैट फिनिश में इसका मड गार्ड है फ्रंट का। बाकी इधर से अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसका DRLs चला देता हूँ, वो भी देख लो। तो जब DRLs चलता है तो ऐसा लगता है बाइक, और हेडलाइट भी मैं आपको जला कर दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये हो गया इसका हेडलाइट। तो जब भी हेडलाइट जलेगा तो यहाँ पे, जब हेडलाइट जलेगा यहाँ पे लाइट दे रखा है भाई, तो DRLs आपका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाएगा। बाकी ये रहा मीटर कंसोल, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले थोड़ा साइड प्रोफाइल का बात करते हैं। तो देखो भाई, इधर से ग्राफिक चेकआउट करो, तो ये तो हो गया हेड का। बाकी आप इसके टैंक का ग्राफिक चेकआउट करो, तो इसमें आपको ब्लैक, सिल्वर और रेड तीनों फिनिश मिलता है और भाई इतना प्रीमियम कलर लग रहा है, एकदम पास से दिखाता हूँ। देखो भाई एकदम, जब भी थोड़ा सा भी लाइट पड़ता है ना इस पर इतना चमकता है, एकदम नेपोली ब्लैक जो कलर बोलते हैं ना, शाइनिंग ग्लॉसी ब्लैक वो है इसमें। तो यहाँ पे सिल्वर भी और रेड भी, स्टिकरिंग है यहाँ पे, NS का बैजिंग है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन का आपको थोड़ा सा स्टिकर मिल जाता है और यहाँ पे आप देखोगे तो टैंक पे ही पल्सर लिखा हुआ है 3D में मिल जाएगा आपको। बाकी टैंक का कलर भी भाई काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, ब्लैक कलर, और थोड़ा सा इस पर्सन से आपको देखोगे तो आपको थोड़ा सा वाइडर लगेगा इसका टैंक। साथ ही साथ यहाँ पे रेडी वाटर है, तो ये देख सकते हो इस पर आपको कार्बन फाइबर का फिनिश देखने को मिलेगा और इधर आपको सिल्वर फिनिश मिलेगा थोड़ा सा, ये भी आपको प्लास्टिक ही है। और इधर मिल जाता है आपको साइड में क्रैश गार्ड, कंपनी फिटेड है, उसके नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉर्न, हॉर्न का भी साउंड चेक करूँगा। और यहाँ पे आप इंजन का ऑयल चेकआउट करो, यहाँ पे रेड और वाइट से लिखा हुआ है, ग्राफिक है भाई रेड में और वाइट से लिखा हुआ है 400। यहाँ से देखो भाई, ये भी बहुत सही लग रहा है, दूर से देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। बाकी इंजन पे आपको यहाँ पे बजाज का ब्रांडिंग मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको गियर वगैरह का सब कुछ ब्लैक कलर में, यहाँ पे सिल्वर फिनिश है, साथ ही साथ यहाँ पे ब्लैक में एक रबड़ है, तो शायद ये ग्रिप के लिए सही है, जब भी आप राइड करोगे तो यहाँ पे आपका पैर आएगा ऐसे, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्रिप मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे पैडिंग वगैरह भी आप एक्स्ट्रा मार्केट से लगवा सकते हो, लेकिन भाई काफ़ी सही है। यहाँ पे नट बोल्ट से टाइट किया गया है इसके टैंक के, मतलब इसको साइड पैनल को। बाकी यहाँ पे साइड पैनल में आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा एकदम एयर वेंट दिया गया है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर फिल्टर वगैरह रहता है उसमें हवा जा सके,
इस वजह से में भी ये दिया गया है, लेकिन लुक काफ़ी प्यारा देखने को लग रहा है भाई। यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड में फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट, यहाँ पे गियर मिल जाता है, एक डाउन है, बाकी ऊपर न्यूट्रल, फिर 2, 3, 4, 5, 6 गियर बॉक्स के साथ आती है ये बाइक। बाकी यहाँ पे साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड अभी आपको देखने को नहीं मिलता है इस बाइक में, तो ये चीज़ है। प्लस यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट जो कि भाई फोल्डेबल है, इसको फोल्ड करके लॉक कर सकते हो मतलब यहाँ पे, और ये ऑटो फोल्डेबल है, मतलब जब भी बाइक आपकी गिरती है या फिर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो ये बाइक आपका मतलब ये टूटेगा नहीं बल्कि फोल्ड हो जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा सा साइड का लुक। बाकी यहाँ पे आपको ओपन चैन है, तो चैन भी भाई आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखना पड़ेगा, 400 cc है, तो थोड़ा सा लुब्रिकेंट करो जब भी थोड़ा लॉन्ग राइड वगैरह पे जाने से पहले। बाकी यहाँ पे आपको छोटा सा एक साड़ी गार्ड मिल जाता है, तो यहाँ पे टायर में साड़ी वाड़ी या फिर मतलब ऐसे कुछ भी जाए नहीं, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड दे रखा है। बाकी इस साइड बात करें तो यहाँ पे आपको जस्ट सीट के नीचे NS 400Z का बैजिंग मिल जाता है जो कि स्टिकर में ही है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिल्वर और रेड में ग्राफिक मिल जाता है इसका। तो ये हो गया भाई इसका साइड प्रोफाइल, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट ओपन करने का की से होल मिल जाता है, की होल। तो ये रहा आपका साइड प्रोफाइल। बाकी थोड़ा रियर से बात करते हैं इसके, तो ये रहा रियर व्यू भाई, और NS 400 का काफ़ी सही लग रहा है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर टायर हगर, तो इससे आपके बाइक को प्रोटेक्ट होगा, बाकी पिलियन भी बैठेगा पीछे तो उस पर छीटा वगैरह नहीं पड़ेगा बारिश के दिनों में या फिर कोई पानी वाला रास्ता में या कीचड़ में। बाकी साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है साइड रिफ्लेक्टर और LED इंडिकेटर, पीछे भी रिफ्लेक्टर है, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाता है, वो सब कुछ जला कर दिखाता हूँ मैं। पीछे में मिल जाता है आपको LED रियर लाइट, L-lamp जो भी कहना कह लो। बाकी ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई, आफ्टर मार्केट आपको कराने का जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा आपको वाइब आएगा इसमें NS 200 का, बाकी काफ़ी सही है। इस साइड भी ये इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर, इस साइड मिल जाता है आपको ब्रेक, टायर, सब प्रोफाइल बताता हूँ मैं, टायर वगैरह कितना सेक्शन का टायर मिलता है, बाकी ये ब्रेक कितना मिलता है, और अभी पहले एक वॉक अराउंड दिखा दूँ मैं। साथ ही साथ इस साइड से देखोगे तो NS 400Z का बैजिंग मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे ग्राफिक इसका रेड और सिल्वर और रेड ब्लैक कलर का जो है पैनल है, और यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर का पैनल मिल जाता है। यहाँ पे पिलियन फुटरेस्ट प्लस राइडर फुटरेस्ट, और यहाँ पे आपको ब्रेक मिल जाएगा, यहाँ पे बजाज का ब्रांडिंग मिल जाएगा, और ये सब तो स्टिकर है भाई, ये सब तो हट जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन का यहाँ पे भी ब्रांडिंग मिल जाएगा आपको, मतलब ब्रांडिंग का स्टिकर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको 3D में पल्सर लिखा हुआ इस साइड मिल जाएगा। T20 के साथ आता है भाई इसका पेट्रोल, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक में भी काफ़ी प्यारा ग्राफिक देखने को मिलता है इस साइड से भी, तो देखो इधर भी आपको सिल्वर रेड और थोड़ा सा भाई ये वाइट, तो इस साइड भी आपको काफ़ी प्यारा ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर चीज़ दिखा दिया, इधर से भी इंजन कॉल वही है, तो इंजन कॉल इधर से भी देख लो NS 400, यहाँ पे सिर्फ 400 लिखा हुआ है, तो वो भी काफ़ी सही लग रहा है। बाकी आपको टायर पे भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत, रेड वाइट में इस पर ग्राफिक और ब्लैक में भाई ये अलॉय मिलता है इसका, तो अलॉय पे आपको ग्राफिक मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ग्रीमेका का ब्रांडिंग है जो कि इसके ब्रेक पैड्स आते हैं, और यहाँ पे ABS डुअल चैनल। तो ये हो गया भाई इसका वॉक अराउंड। बाकी थोड़ा इसके इंजन की तरफ चलते हैं अब, और इंजन की बात करते हैं। तो ये हो गया भाई इसका इंजन जो कि है 400cc बाइक मतलब कहता है, लेकिन इसका एक्चुअल इंजन है 373cc लिक्विड कूल्ड इंजन है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके रेडिएटर, और उस साइड पे भाई आपको कूलेंट का जगह दे रखा है, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये देखो भाई ये रहा इसका कूलेंट, तो लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो ये रहा आपका 373cc का इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 39.4 BHP का, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 35 Nm का टॉर्क। तो ये हो गया, 6 गियर बॉक्स के साथ आती है ये बाइक, और इसमें आपको साथ ही साथ मिल जाता है राइडिंग मोड्स, तो वो भी चीज़ दिखाऊंगा मैं मीटर कंसोल पे जब बात करूंगा, तो आपको दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे। देखो यहाँ पे राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिलेगा, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड, तो इतना सारा राइडिंग मोड्स मिल जाता है आपको इस बाइक में। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसके सस्पेंशन का, तो फ्रंट से सस्पेंशन देख लो, थोड़ा सा गोल्डन फिनिश में आता है इसका सस्पेंशन, तो इसलिए मैंने पहले नहीं इसका जिक्र किया, क्योंकि भाई मैं सोचा कि पूरा प्रोफाइल बताऊंगा इसका कि कितना ज़्यादा सस्पेंशन का क्या है टोटल, और उस हिसाब से। तो बाकी 43mm का अपसाइड डाउन फोर्क मिल जाता है इसमें आपको, देखो यहाँ पे ये है भाई 43mm का, कितना प्यारा लग रहा है भाई दोनों। डिमांडिंग बाइक है, आते आते ही यहाँ पे क्रेज छा लिया है भाई इसका NS 400 का। बाकी चलते हैं आप रियर सस्पेंशन की तरफ, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको मोनोसोक का रियर सस्पेंशन, यहाँ पे नाइट्रोक्स का ब्रांडिंग है, बाकी यहाँ पे आपको मोनोसोक मिल जाता है रियर सस्पेंशन। थोड़ा सा गंदा हो रखा है बाइक क्योंकि टेस्ट राइड वगैरह के लिए गया होगा, तो इस वजह से।
तो ये हो गया इसका सस्पेंशन प्रोफाइल भाई, प्लस डुअल चैनल। ब्रेकिंग का बात करते हैं इसका, डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है, तो भाई ब्रेकिंग में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। फ्रंट ब्रेक से बात करते हैं, तो इसमें देखो भाई ग्रीमेका का डिस्क पैड मिल जाता है आपको, यहाँ पे ग्रीमेका का ब्रांडिंग है आप देख सकते हो। प्लस इसके डिस्क प्लेट का बात करें भाई, तो 320mm का फ्रंट डिस्क प्लेट आ जाता है। प्लस चलते हैं अब रियर की तरफ, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि ग्रीमेका का ब्रांडिंग है डिस्क पैड पे। बाकी इसका डिस्क प्लेट की बात करें तो रियर में आपको 230mm यानी कि 230mm का रियर डिस्क प्लेट मिल जाता है। व्हील की बात करें भाई इसके, तो फ्रंट व्हील आपको मिल जाता है, देखो पूरा व्हील है आपको, फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच का अलॉय मिल जाता है। प्लस फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें आपको दिखा देता हूं मैं, MRF के टायर मिलते हैं जो कि है 110/70/17, तो वो भी आपको यहां पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, तो वो भी दिखाता हूं भाई खोज के किधर तो वो रहता है। यहाँ पे देखने को मिलेगा 110/70/17, तो ये रहा इसका फ्रंट टायर प्रोफाइल। बाकी रियर में चलते हैं और रियर प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको, ये रहा भाई, ये भी MRF की तरफ से आता है और ये है 140/70/R17, तो ये भाई रेडियल टायर देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइड है, एकदम पास से देखो एकदम पूरा अच्छा खासा वाइड है और रेडियल टायर है भाई, तो स्केट वगैरह करने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस टायर पे। इसके बाद बात करते हैं भाई इसके वेट के बारे में, तो ये रही पूरी ओवरऑल बाइक, और 400cc का इंजन है मतलब 373cc का, तो इसका वेट है भाई टोटल पूरा बॉडी का 174kg। तो इस हिसाब से भाई इसका मतलब वेट जो कम किया गया है डोमिनार से, तो इसका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वेट रिड्यूस हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सा मिल जाएगा इसके स्पीड में बढ़िया, तो स्पीड जब होगा ज़्यादा वेट जब रहेगा कम, तो इस हिसाब से इसका काम किया गया है कि इसका स्पीड बढ़ जाए। तो ये रहा भाई ओवरऑल पूरा बाइक दिखा दिया मैंने। प्लस साथ ही साथ बात करें इसके सीट का, तो सीट है भाई इसका 807mm का, 807mm के साथ साथ इसके थोड़ा कंफर्ट का बात करते हैं, तो ये देख सकते हो भाई पूरा अच्छे से एकदम कुशनिंग वगैरह, प्लस फिट एंड फिनिश आप चेकआउट करो कि कितना सही से करा गया है। बाकी आप यहाँ पे जब बैठोगे तो एकदम पूरा ऐसे डिजाइन करा गया है सीट को कि पूरा ग्रैब करके आप बाइक के साथ बैठो। बाकी पिलियन के साथ भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिलता है मतलब कि दो भाग में आपको, ये पिलियन के लिए अलग और राइडर के लिए अलग, तो ये चीज़ काफ़ी सही दे रखा है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जब भी आप राइड करोगे, काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ बात करते हैं भाई, जब भी लॉन्ग राइड करते हो तो थोड़ा बहुत ऑफ रोड तो मिलता ही है, तो ऑफ रोड में आपको जरूरत पड़ता है ग्राउंड क्लियरेंस का, तो इसमें आपको मिल जाता है 168mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये रहा भाई इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस, देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है। बाकी थोड़ा बहुत और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS वगैरह तो है ही, प्लस हैंडलिंग वगैरह सब कुछ सही है इसका। हैंडलिंग पे आते हैं अभी, प्लस बताते हैं कि हैंडल में आपको क्या क्या सिस्टम मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है साइड स्टैंड कटऑफ सेंसर, जो कि आजकल कॉमन चीज़ हो गया है भाई, वो तो नॉर्मल सी बाइक में रह रहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं हम सीधे हैंडल की तरफ और मीटर कंसोल की तरफ। तो ये है भाई काफ़ी सही चीज़, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं इसके, तो देखो भाई इसके मीटर कंसोल में ना आपको हर वो फीचर्स मिल जाएगा जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा डेली लाइफ में, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही इसमें दे रखा है। ब्लूटूथ मिल जाता है सबसे बढ़िया चीज़ है, साइड स्टैंड का यहाँ पे वार्निंग मिल जाता है आपको अगर साइड स्टैंड गिरा हुआ है तो, यहाँ पे ABS प्लस इग्निशन प्लस इंजन चेक लाइट ऑयल चेक लाइट मतलब सब कुछ कूलेंट वगैरह चेक लाइट का सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल का आपको मिल जाता है, RPM मीटर यहाँ पे मिल जाता है, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे, तो यहाँ पे मिल जाता है गियर इंडिकेटर, यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पे सेटिंग वगैरह मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से सेटिंग वगैरह है इसका, तो देखो यहाँ पे रिफ्यूज वगैरह सब कुछ, यहाँ से व्हीकल इन्फॉर्मेशन कनेक्टिविटी ट्रिप एंड बाइक मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो सब कुछ सेट, तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस इन्फॉर्मेशन को सेटिंग वगैरह को सेट करने के लिए यहाँ पे आपको 4 बटन दे रखे हैं, ऊपर नीचे साइड और सेट वगैरह का, तो ये सब चीज़ आपको इस बाइक में मिल जाता है। प्लस साथ ही साथ इसमें ओडोमीटर यहाँ पे दे रखा है, और रोड स्पोर्ट रेन और ऑफ रोड का यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके जस्ट मीटर के नीचे मिल जाता है आपको USB चार्जिंग, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पे आपको की होल मिलता है। नेक्स्ट बात करें भाई इसके हैंडल के बारे में, तो देखो भाई राइडिंग पोजीशन तो काफ़ी सही है, साथ ही साथ इसका हैंडल का जो क्वालिटी है ना काफ़ी देखने को सही लग रहा है मेरे को। तो देखो भाई सबसे पहले इसके रियर व्यू मिरर से बात करते हैं, तो रियर व्यू मिरर देखो भाई इसमें एलुमिनियम का यूज़ करा गया है, और बाकी इधर आपको प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा, लेकिन भाई काफ़ी स्टेबल है।
इसको जब भी आप राइड करोगे हायर स्पीड में भी तो ये स्टेबल रहने वाला है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है अब जब भी हायर स्पीड पर, क्योंकि भाई इसका फिट एंड फिनिश जो भी करा गया है ना काफ़ी सही है। साथ ही साथ इस साइड बात करते हैं इसके हैंडल में क्या क्या मिलता है आपको, तो देखो यहाँ पे आपको तीन फीचर्स मिलते हैं सिर्फ एक बटन में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है लो बीम, हाई बीम और पास्ट लाइट। तो देखो भाई इसका लाइट दिखा देता हूँ मैं, देखो डे टाइम में आपको इतना ज़्यादा ब्राइट है, पूरा डे टाइम का ही है भाई, पूरा अच्छा खासा ब्राइटनेस आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है पूरा शोरूम के अंदर, लेकिन फिर उसके बावजूद भी इसका ब्राइटनेस इतना ज़्यादा है। तो नाइट टाइम में भाई आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी यहाँ पे ऐसे करोगे तो अपर हो जाएगा, मतलब हाई बीम हो जाएगा, और नीचे दबा दो तो लोअर रहेगा। तो ये चीज़ है काफ़ी सही है। बाकी ऐसे प्रेस करोगे तो आपको ये हो जाएगा पास लाइट। बाकी हैंडल ग्रिप भाई काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर रबर का यूज़ किया गया है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पर हैंडल बार वेट दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दिया कि यहाँ पे इसको मीटर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं और इसके हॉर्न दिए गए हैं। तो हॉर्न तो मैं आपको बजा के सुना देता हूँ, देखो काफ़ी अच्छा खासा हॉर्न है, तो इसमें आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इस तरफ चलते हैं तो देखो भाई अच्छा फीचर्स मिल जाता है आपको यहाँ पे हजार्ड, तो हजार्ड को जला कर दिखाऊँगा अभी। तो ये है हजार्ड स्विच, बाकी ये इंजन कट का लाइट, बाकी यहाँ पर प्रेस करो और यहाँ पर ऑन हो गया इंजन, और इसके बाद यहाँ प्रेस करोगे तो मैं न्यूट्रल कर देता हूँ पहले बाइक को और आपको करके दिखाता हूँ स्टार्ट। तो ये देखो भाई काफ़ी स्मूथली इंजन इसका इतना अच्छा गियर काम कर रहा है ना प्रॉपर, एकदम एक सेकंड नहीं लगा मेरे को न्यूट्रल करने में, ठीक है आप सामने किया। बाकी इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ये रहा इसका इंजन स्टार्ट स्विच। बाकी स्लेटर इधर साइड ब्रेक मिल जाता है आपको यहाँ पर, काफ़ी अच्छा एकदम प्रीमियम लग रहा है भाई, ब्रेक एडजस्टेबल मिलता है आपको, ये ब्रेक लीवर प्लस साथ ही साथ यहाँ पर क्लच लीवर। तो ये भी दिखाता हूँ आपको स्टार्ट करके, तो देखो भाई इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह सब कुछ सुनाता हूँ। ये हो गया भाई इसका आइडियल साउंड, ये प्रॉपर इसका आइडियल साउंड हो गया इसके, और थोड़ा सा रेव करके दिखाता हूँ। हाँ तो भाई लगता है ऐसा फील होता है कि हाँ 400 सीसी का इंजन है। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाता है हेडलाइट के लिए लाइट और इग्निशन के लिए, जब भी आप राइड करोगे रात में तो यहाँ पे आपको हेडलाइट ऑन कर दो अपना, और बाकी DRS थोड़ा सा डिम हो जाता है, बाकी जलते रहता है वो हमेशा। ये हो गया आपको इंजन का, हजार्ड चला कर दिखाता हूँ भाई चारों। देखो भाई हजार्ड का क्वालिटी काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें यूज करा गया है भाई LED, मतलब इंडिकेटर से लेकर हेडलाइट में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्लस DRLs में, सब कुछ में LED आपको यूज़ करा गया है इसमें, पूरा का पूरा बाइक में आपको LED का यूज़ मिलेगा। टेल लाइट का भी दिखा देता हूँ, तो ये रहा टेल लाइट। बाकी यहाँ पे भी आपको हजार देख लो जलते हुए, काफ़ी ब्राइट है, और तीन तीन का सेटअप मेरे को लग रहा है कि ऐसे LED इसमें जल रहा है। और यहाँ पर आपको रियर लाइट में भी नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर देख सकते हो LED का यूज़ करा गया है, और काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस है। बाकी यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह का साइन मिलता है, तो मल्टीपल फंक्शन के साथ आता है ये आपका मीटर कंसोल। थोड़ा सा इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है फाइनल, और उसके बाद बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो भाई इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम लगा, 400 CC का इंजन है तो थोड़ा सा फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, जैसे कि 15 लीटर मैक्स मिनिमम थोड़ा सा कर देना चाहिए था। बाकी NS 200 का ही फ्यूल टैंक इसमें यूज़ करा गया है, इस वजह से आपको इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। 35 का माइलेज क्लेम करती है कंपनी, तो इस हिसाब से भाई काफ़ी है, मतलब 12 लीटर भी भाई काफ़ी है, अच्छे खासे राइड पे अगर जाते हो आप तो आप इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी आप माइलेज कितना निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं भाई ये बाइक आपको पड़ेगी कितना में, फाइनल इसका एक शोरूम प्राइस बता देता हूँ, बाकी आप जब भी शोरूम पर विजिट करोगे तो आपको एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,85,000, मात्र 1,85,000। बजाज के पास इतना अच्छा ऑफर प्राइस दिया है भाई इसको, मतलब कस्टमर के लिए, तो भाई शायद ही कोई कंपनी प्रोवाइड करता है। 400 CC में आपको नहीं मिलेगा किसी और बाइक में इतना कम प्राइस, तो इस प्राइस फिगर के हिसाब से भाई काफ़ी सही है। बाकी ओवरऑल ये रहा कुछ NS 400Z का वॉक अराउंड प्लस रिव्यू, डिटेल रिव्यू रहा भाई इसमें। आपको शायद ही कुछ बाकी होगा जो कि नहीं बताया होगा मैंने। अगर ये आपको बाइक चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शिव भवानी बजाज, जो कि है दरोगा राय चौक छपरा में। बाकी कांटेक्ट डिटेल प्लस इनका सब कुछ डिटेल मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन, प्लस आपको स्क्रीन पे हो रहा होगा। तो ये रहा भाई NS 400। और भी इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो।
बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी, ये कलर कैसा लगा, ऑलरेडी इसका और वीडियो मैं डाल चुका हूँ और भी कलर का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, आई होप आपको इस बाइक का हर चीज़ पता चल गया होगा। बाकी अगर कुछ और रह जाता है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे शोरूम को कॉल कर सकते हो। हर चीज़ आपको, हर डिटेल शोरूम का मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन प्लस स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा। तो चलो, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव। आई वांट टू रीच 1 मिलियन, सो प्लीज सर पकड़ाइए। ओके, थैंक यू।